सो गाइस ये पूरा एसिड बाहर निकल गया है, पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर, कचरा चले गया था, मिट्टी चले गई थी। $85 हो चुके हैं, सिर्फ $15 की और ज़रूरत है, उसके बाद मेरी YouTube पेमेंट आ जाएगी। और ये $15 करने में मुझे है ना 2 महीने लग जाएंगे, मतलब डॉलर बन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो चुका है, बहुत कम डॉलर बन रहे हैं। 1000 व्यूज आते हैं ना तो $1 भी नहीं बनता है, 2000 व्यूज पे भी $1 नहीं बनता है, कम से कम 2500-3000 व्यूज पे $1 बनता है। इसलिए ये ना $15 में भी मुझे 2 महीने लग जाएंगे, तो मुझे 2 महीने और सेव करो आप, और अच्छे अच्छे कमेंट करो, सपोर्ट करो, और उसके बाद मैं व्लॉगिंग बंद कर दूंगा, बंद तो नहीं कह सकते, कम कर दूंगा, बिल्कुल जीरो कर दूंगा। कभी कहीं बाहर जाना हुआ, कहीं घूमने फिरने जाना हुआ तो मैं व्लॉग डालूंगा, वरना शॉर्ट्स तो मैं डालता रहूंगा, आपसे जुड़ा रहूंगा। आप अगर चाहो तो मेरा शॉर्ट्स देख सकते हो, अगर आपको मुझसे बात करना हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यह है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पर जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए, कुछ भी कहना हो तो आप यहाँ पर मुझे कह सकते हो, मतलब मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, आपसे दूर नहीं जाऊँगा, आपसे बंधा रहूँगा, क्योंकि आप है ना मुझे 2 साल से सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फिलहाल अब सपोर्ट बंद हो चुका है और अब व्यूज़ भी आना बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारी गलती है, हम अच्छा कंटेंट नहीं ला पाए, बाहर नहीं जा पाए, आपको अच्छे अच्छे लोकेशन नहीं दिखा पाए, बस वहीं की वहीं वहीं की वहीं। तो मैं समझता हूँ इस बात को, इतना तो मैं जानता हूँ कि व्यूज़ कम क्यों हुए हैं, कंटेंट नहीं है हमारे पास। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। दोस्तों ये जो नाला है ना अचानक से चालू हो चुका है, देखो बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था, लेकिन अचानक से चालू हो गया है। हुआ यूँ है कि आगे ऊपर एक डैम है, वहाँ से पानी छोड़ा है, उधर बड़े डैम नाले में भी छोड़ा है, यहाँ पर भी छोड़ा है, ये खेत वालों के लिए और ये जानवरों के लिए ये पानी छोड़ा गया है डैम पे से। तो दोस्तों आज वैसे संडे है, लेकिन आज जो बची हुई टाइल्स है ना मकान की, जो टाइल्स मैंने लेने गया था और कुछ कमी लेके आया था, बची हुई टाइल्स आज आ सकती है, जैसे वो आएगी हम उसको उतार लेंगे, उसके बाद में ये जो मकान का काम है, टाइल्स का काम, वो चालू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर, या आज से ही भाई साहब कभी लगा दे काम, टाइल्स फोड़ना चालू कर दे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, फिलहाल बच्चे आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो चक्का है ना टायर वो चला रहे। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये पानी अचानक से चालू हो चुका है, अच्छा साफ पानी आ रहा है, ये डैम पे से आ रहा है पानी। गेहूँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हो चुके हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। गाइस तीनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, टायर चला रहे हैं, देखो सनाए भी साहिबा भी ए? हाँ साहिबा का छोटा टायर है, TVS चैंप का। तो ऐसे बच्चे है ना खेला करते हैं, मजा आता है बच्चों। मैंने कहा इनको कि रोड पे मत जाना, इधर ही चला। कहाँ चुप क्या काटा, नहीं है नहीं, चल ठीक ठीक साफ कर दिया है ना, ठीक। हाँ भाग भाग भाग, जैसे कहते देखो मैं मार रहा हूँ है। हाँ साजिद देखो गाइस, साजिद पेपर बांटता है, नई दुनिया। हाँ ये तोड़ो, ये ले, और क्या दू, तो आकाश के ये नूडल है और ये चिप्स है ना, तीन की चिक्कम, 5 की पूरी ले बुमर, जाओ जाओ जाओ। टाइल्स है ना वो फोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तोड़ रहे देखो वो, और टाइल से भी आ रही है। गाइस आपको मैंने बताया ना ये पानी इधर आता है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, ये पानी हम चाहते हैं कि बाहर जाए पानी, इसलिए ये टाइल्स अच्छी वाली टाइल्स फोल्डर पड़ रही है। अब आए मेन ठेकेदार जितेन भाई नाम का, अब ये बोल रहे देखो कैसे कर देते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल आपके हिसाब से करो और क्या। बड़ा बड़ा हथौड़ा लग दूं क्या? हाँ। बड़ा हथौड़ा यहाँ की रहायश में पूरी निकाल दी। देखो यहाँ से वहां तक पूरी निकाल दी। अभी बाथरूम की रहायश से निकाल रहे। देखो जितन भाई ठेकेदारी बड़ा घर लेके। हाँ ये बड़ा घर लेके गाइस ये बाइक लाया करो ना। नहीं अभी तक बाइक नहीं लाया। देखो झूठ बोल रहा था यहाँ पर। सॉरी यार भाई अभी लाने का है। हाँ लाना है अभी 2024 में 2 तारीख को। 2024 में 2 तारीख को लाएगा ये। 2024 लग चुका है। ये देखो कितने किलो का होगा ये बाट है। 10 किलो का। 10 किलो कितनी ताकत है अपनी उसमें। एक हाथ से उठा के ना मारता। ये देखो दोस्तों यहाँ पर भी क्या है कि पूरा पानी यहीं पर इकट्ठा होता था। मैंने क्या अलग से है ना इसमें सीमेंट डाला था जितन भाई। ठीक है हाँ। अलग से सीमेंट डाला। फोड़ो 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 एक नंबर का चका। थोड़ा हंसी मजाक वाले आदमी भी है ये। हंसी मजाक बहुत करते हैं जितन भाई। एक हमारे कर्मचारी तो खाना खाने गए हैं। आप नहीं गए यार खाना खाने? नहीं खाने गए। अपने को मतलब भूख नहीं लगती। रात में खाना है खट्टा खाते एक टाइम। हाँ बस चाय होना तो चाय। अब तुम्हारे मजदूर आ जाए उसके बाद फिर चाय बनवाते हैं ना। ठीक को ले आ जा। हां ठाओ ठाओ गाइस इधर की रेल से भी आई देखो क्योंकि ये भी लगाएंगे ना। चलो ठीक। तो गाइस ये टाइल से भी आ चुकी है। जितन भाई ने हेल्प करी इसमें भी उतारने में भी है ना। चलो इसमें से कचरा निकल गया। बोला सरीला बाहर डाल दो। उसमें जरा खोद मट्टी निकालना। ये तो बारीक सरी डाल उसमें। और ये एसिड भी लाया हूँ तो एसिड डालो गाइस। इससे अंदर से पानी जाता नहीं है बाहर नहीं निकलता है पानी। इसलिए इसको हमने बुन दिया था और दीवार को खोदा था। देखो ये हाँ छेद दिया था। अब ये भाई साहब चेक कर रहे हैं। मैं लाया बारीक सरी सामने भी। इसलिए अब टाइम मिला है। मेरे हमने डाल दिए कुछ नहीं हुआ। पानी गया नहीं डाबरे भरा है वहां पर। हाथ पे डल जाए क्या होगा? हाथ पे डल जाए तो कहीं नहीं होगा। बस हाथ के नए कपड़े बन जाएंगे। सो गाइस ये पूरा एसिड बाहर निकल गया है। पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर। कचरा चले गया था मिट्टी चले गई थी इसलिए हमने नया आविष्कार किया था। अलग से मतलब गड्ढा कर दिया था दीवार में। चलो यार देखो तुम्हारे हिसाब से। अब गाइस अभी घर के जो टाइल्स हैं दो 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 चार बज रही थी वो निकाल रहे हैं। तो फाइनल गाइस जो कारागिर है टाइल्स लगाने वाले भाई साहब वो अपने घर जा चुके हैं क्योंकि रात हो चुकी है। अभी ये सिर्फ इन्होंने ये क्या बोलेंगे इसको जमीन बनाई है और ये पाइपलाइन ठीक की है बाथरूम की और ये कुछ टाइल्स से जो है यहाँ पर लगा दिए वहाँ पर लगा दिए। जो वो बाल्टी रखी ना वहाँ पर वजन रख गया ताकि कोई बच्चा वहाँ पर पाँव ना रखे। तो ये काम जो है कि दोस्तों चल रहा है। अभी हमको कल ये टाइल्स लगाना है और उसके बाद इस मकान को पेंट करवाना है। अच्छे से पेंट करवाना है। क्या है कि पूरा मकान
गंदा हो चुका है। बच्चों ने सब लाली पाउडर और क्या बोलते हैं काजल वगैरह ऐसा सब कुछ लगा दिया है, तो बहुत गंदा हो चुका है मकान, तो उसको पेंट करवाएंगे। गाइस अभी कर देते हैं इस व्लॉग का एंड। साहिबा कहाँ है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बाय गुड नाइट। ये साहिबा देखो लात मार रही है।